सर दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मेकर डॉट 99 में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पैट का जो एग्ज़ाम हो रहा होने वाला है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे हल करने से ट्रिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको आपको पढ़ना है और आंसर बताना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई का 40% है तो एक्स का कितना प्रतिशत, एक्स वाई कितना प्रतिशत हो गया, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको आपको बताना है। तो इसको करने की एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कंटिन्यू बने रहें। तो आपको पहले लिखना है एक्स और वाई, इस टाइप से आपको एक्स वाई लिखना है क्योंकि एक्स और वाई की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्स और वाई का 40% है। ठीक है, एक्स वाई का 40% यानी कि वाई होगा आपका 100%, इसका 40 यानी कि 40% आपका होगा, इस टाइप से आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है कि x और y यानी कि बटे में लिखना है, तो y का पूछा गया तो y को नीचे लिखेंगे, x को नीचे लिखेंगे। ठीक है, 100 यानी कि इंटू में परसेंट की जगह पे लगेगा आपका 100, क्या लगेगा आपका 100। अब आपको क्या करना है, 100 x की जगह पे ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x की जगह पे आपका 40। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका 100 है वो आपका बराबर उसी प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर जो संख्या आपकी जिस प्रकार से कट रही है उसको आप काट देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, 1 0 से आपके यहाँ काटा, 4 से आपने 25 बार काट दिया क्योंकि 4 5 आपका 25 हो जाता है। 10 का गुणा जब 25 में करेंगे आप तो 25 यानी कि 250 राइट आंसर हो जाएगा। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछली बार आपका पैट का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सीख लें आप। 101% आने वाला है पैट के एग्जाम में। तब तक के लिए वंदे मातरम।